हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पहला नवरात्रा है और मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पलारी रेसिपी जो बहुत टेस्टी बनेगी और बहुत कम ऑयल में। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं किसी थाली के साथ में, या फिर इंडिविजुअल भी आप इसे बना सकते हैं। और ये बहुत ही डिलीशियस बनती है, जिसे हम सामक के चावल और साबुदाना के साथ रेडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी बनाना। आज की रेसिपी सामक के चावल के अप्पे हैं और ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा साबुदाना भी ऐड किया हुआ है। तो ये फलाहारी अप्पे बहुत ही डिलीशियस और अच्छा ऑप्शन है फास्ट में बनाने के लिए, क्योंकि बहुत कम ऑयल में आप इन्हें प्रिपेयर कर सकते हो। आप चाहे तो इन्हें ऐसे सिंगल प्रिपेयर करके खा सकते हैं, तब भी ये काफ़ी फिलिंग रहेंगे, और चाहे तो आप थाली में ऐड कर सकते हैं अगर आप पूरी थाली प्रिपेयर कर रहे हैं फैमिली के लिए। और आप इसका टेक्सचर देखेंगे तो काफ़ी सॉफ्ट रहता है, इजी टू डाइजेस्ट है और काफ़ी हल्का हल्का भी आप फील करेंगे ये खाने के बाद। तो होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे हैं जो आप फास्ट में बना सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी रेसिपीज़ की मैं आपको यहाँ पे पिक्स शेयर कर रही हूँ ताकि आपको हेल्प मिले। यहाँ पर मैंने आलू का हलवा, नारियल की बर्फ़ी, थाली पीठ और अप्पे ही मैंने बनाए हैं। साबुदाना के जो वड़े होते हैं उनको मैंने पैन में बनाया है, तो वो भी एक हेल्दी ऑप्शन है व्रत में बनाने के लिए। इसके साथ ही काफ़ी सारी थाली मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, जिसकी पिक मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और इन सारी रेसिपीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे आप चेक कर सकते हैं। और अब बिना देर किए हुए झटपट बनाना शुरू करते हैं ये फलाहारी सामक के चावल के अप्पे। सामक के चावल के अप्पे बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी बैटर बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने साबुदाना और सामक के चावल लिए हैं, तो जितना मैंने सामक का चावल लिया है उसका हाफ मैंने साबुदाना लिया था। और इन दोनों चीज़ों को हम ओवरनाइट सोक करने रख देंगे, या कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। और उसके बाद हम वन बाय वन इनको ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत कम पानी के साथ इसे ग्राइंड किया है सामक के चावल को, और आप देख सकते हैं जैसे राइस फ्लार का मिक्सचर बनता है उसी तरह का ये बन के आ गया है। और साबुदाना थोड़ा सा मोटा मोटा रहता है इस तरह का, तो ये बहुत अच्छा टेक्सचर देता है बैटर को। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को मैंने एक बड़े बोल में ले लिया है और अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी थिक है इसमें और एक थोड़ा सा रनी, तो उसी हिसाब से मैंने इसको रखा है। और यहाँ पर कोई पानी अभी ऐड नहीं करेंगे हम, इसमें ऐड करेंगे कर्ड। तो 3 चम्मच मैंने यहाँ पे दही, गाढ़ा दही लिया है, इसमें पानी नहीं है, तो इससे इसका टेक्सचर अच्छा सा आ जाएगा। अगर आप दही आपकी थोड़ी रनी है तो आप उसमें पानी नहीं डालें पहले, और उसी हिसाब से दही को ऐड करें। और यहाँ पे नमक हम ऐड करेंगे, व्रत वाला नमक या सेंधा नमक जिसे कहते हैं। थोड़ी से हरी मिर्चें और हरा धनिया मैंने कट किया है, हरी मिर्च मैंने मोटी वाली ली है। यहाँ पे एक गाजर और नारियल का एक पीस लिया है, जिन्हें मोटा मोटा चंक करके इसमें डाल देंगे। तो आप सब्जियाँ जो खाते हैं व्रत में आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जस्ट गाजर, हरी मिर्च और हरा धनिया लिया है और नारियल। आप इसमें मूंगफली भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं, तो जो भी अवेलेबल चीज़ें हों आप वो यूज़ कर सकते हैं जो आप व्रत में खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेंधा नमक ऐड कर दिया है, नारियल के छोटे छोटे पीसेस किए हैं उनको ऐड किया है, हरा धनिया चॉप करके इसमें डाला है, तो इसमें बहुत अच्छा कलर इससे आ जाता है। थोड़ी सी गाजर मैंने ग्रेट कर दी है, थोड़ी सी चॉप की है, थोड़ी से हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें ये मोटी वाली ली हैं तो ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, तो मैंने पूरी 2 मिर्चें इसमें कट करके डाल दी हैं, क्योंकि व्रत में सिर्फ यही चीज़ें हैं जो टेस्ट देती हैं, हरा धनिया और हरी मिर्च। तो आप जितना ज़्यादा डालें इनको उतना अच्छा रहेगा टेस्ट भी, और आपका जो खाना है उसका भी टेस्ट बना रहेगा। तो यहाँ पर अप्पे पैन मैंने हीटअप कर लिया है, इसमें हम घी लगाएंगे क्योंकि फास्ट में नॉर्मली बहुत सारे ऑयल अवॉइड किए जाते हैं, तो मैं घी से ही प्रिपेयर कर रही हूँ। और अब यहाँ पे बैटर को मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा लिया था और ये काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है, तो आप इसे घुमाएं अच्छे से तो ये काफ़ी फ्लफ़ी हो जाता है खुद ब खुद, क्योंकि इसमें दही है। और अब 1 स्पून इसमें हम इस तरह से ऐड कर देंगे अप्पा पैन में, और अप्पा पैन को आप अच्छे से गर्म कर लें पहले। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तब आप इसमें बैटर डालें, और जब आप इसमें डाल दें एक बार बैटर, फिर आप आँच को बिल्कुल स्लो कर दें। उससे क्या होता है कि ये जो अप्पे हैं वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी फ्लेम मिलने से फूल जाते हैं,
और फिर स्लो फ्लेम में धीरे धीरे कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कवर कर दिया है लिड से और ये बिल्कुल लो फ्लेम पे था, तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये फूले हैं, क्योंकि अगर हम आँच को तेज़ करके फिर कम नहीं करेंगे तो वो बर्न हो जाते हैं और फूलते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जस्ट फूलने के लिए आँच को तेज़ रखा था और उसके बाद आँच को कम कर दिया, तो बहुत अच्छा सा ये गोल्डन सा कलर आया है। और सामक के चावल के अप्पे जब बनते हैं तो ये बहुत अच्छे प्योर वाइट कलर के बनते हैं और बहुत सुंदर सा सुनहरी कलर इसके ऊपर आता है। तो एक तरफ से ये हो गए हैं, मैं दूसरी तरफ इसे फ्लिप कर दे रही हूँ और दूसरी तरफ पकने में इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप हल्की ही रखें आँच को। और अगर आप तेज़ भी कर रहे हैं तो फिर आप उसे देखते रहें, नहीं तो एकदम ही बर्न हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कुक्ड ही हैं। यहाँ पर मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इन्हें रखा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये कुक हो गया है, बट मैं चाह रही हूँ कि दूसरी तरफ भी थोड़ा अच्छा सा कलर आ जाए, तो थोड़ा सा और इसे इस तरह से ही रख के कवर कर देंगे, क्योंकि एक तरफ से ये स्टीम से ही कुक हो जाते हैं, तो ऐसे ही भी आप सर्व कर सकते हैं इन्हें। तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए मैंने फिर से रखा है और आप देख सकते हैं अब कितना बढ़िया इसके ऊपर क्रंच आ गया है। यहाँ पर मैंने इसे नारियल और हरे धनिये की चटनी के साथ सर्व किया है और ये भी मैंने सेंधा नमक के साथ बनाई है, तो इसे व्रत के साथ खा सकते हैं इजीली। तो इस तरह से टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है फास्ट में, जस्ट हेल्दी ऑप्शन चूज़ करने की ज़रूरत है, ताकि आप व्रत के दिन भी अच्छा और हेल्दी खाना खा सकें। तो यहाँ पर वो एक स्लॉट मैंने निकाल दिया है, दूसरा इसी तरह से तेज आँच में मैं ये बैटर को हिलाते हुए इसमें ऐड करूंगी, और हर बार हिलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत अच्छा सा एयरी हो जाता है मिक्सचर, क्योंकि अप्पे अगर फूले फूले से नहीं बनेंगे, एयरी नहीं बनेंगे, तो उनका टेस्ट नहीं आता है। और ये सामक के चावल के लिए सभी का रहता है कि इससे इडली डोसा इतना बढ़िया नहीं बनता है, बट आप एक बार ज़रूर बनाएं। सामक के चावलों को अच्छे से सोख करके रखें और उसको बैटर बनाने के बाद उसे दही के साथ थोड़ी देर छोड़ दें, तो वो बहुत अच्छे से भी फर्मेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे अप्पे बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं, बहुत अच्छा सा इनका कलर आया है, काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी हैं, इनका स्पॉन्ज आप दे सकते हैं। और इस तरह का खाना व्रत में बिल्कुल लाइट रहता है, बहुत अच्छा टेस्ट देता है और आपकी जो टेस्ट बर्ड हैं उनको भी सेटिस्फाई करता है। तो व्रत आप रखें और हेल्दी ऑप्शन चूज़ करें तो बहुत अच्छा रहता है। जो भी व्रत की चीज़ें हैं, कुट्टू का आटा, ये सब इनकी पूरी बनाने से बेटर इनको इस तरह से टिक्की या अप्पे में यूज़ कर लें कम ऑयल में, तो बहुत अच्छे फास्टिंग ऑप्शन ये हो सकते हैं। तो मैं आपके साथ और भी इस तरह के लो ऑयल वाले फलाहारी व्यंजन शेयर करती रहूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो रेसिपीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उससे ही मुझे पता चलता है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ अपनी रेसिपीज़ या फिर वीडियोज़ में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।